ओ हेलो फ्रेंड्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सबसे पहली चीज ये है कि मैंने सोचा कि मैं आईपीसी को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाऊं, क्योंकि जो चीजें हैं बनी हुई उन चीजों को हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे सेक्शंस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, अब कैसे सारी चीजों को ध्यान रखा जाए। सवालों के कई पहलू हैं और सबको समझना बहुत ही जरूरी है। तो गौर करने वाली बात है, अगर आप आईपीसी को देखते हो, ठीक है, तो उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हैं, कैसे वो बनकर आया फर्स्ट लॉ कमीशन बना, उसमें कितने सदस्य थे, तमाम तरह की चीजें। अब इस बात को समझना कि उसपे हमें इतना गौर करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज का जो दौर है उसमें हमें समझना है कि कोई भी ऑफेंस जिसको डिफाइन किया गया और उसके साथ साथ उसमें इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो उसकी क्या अहमियत है? क्या उस इलस्ट्रेशन की जगह पे जब किसी ऑफेंस का नाम दिया जा रहा है तो क्या वहां पर कोई और ऑफेंस का भी आप जिक्र कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप 299, 300, 319, 320 ऐसे सेक्शंस को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको इलस्ट्रेशन मिला जुला मिलेगा। जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड की बात हो रही है तो आपको वैसा ही इलस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, पर जब आप जनरल एक्सेप्शन में आते हो या आप अबेटमेंट को पढ़ते हो, है ना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देखते हो, सेक्शन 34 को देखते हो, ये तमाम तरह के इंस्टेंसेस हैं, इससे हमें ओवरकम करना है, हमें समझना है। लॉ को समझना बहुत ही जरूरी है हर इंसान के लिए, क्योंकि किसी के साथ किसी भी समय किसी भी तरह की चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप बेहतर नागरिक बनना चाहते हो तो आपको लॉ की समझ होनी चाहिए। अब ये तो हो गई जनरल सी बातें, है ना। अब हम समझते हैं सबसे पहली चीज, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इसको देख रहे होंगे या देखेंगे बाद में, पर गौर करने वाली बात है कि अगर आपके पास आईपीसी का बेयर एक्ट हो, आईपीसी का, तो उस आईपीसी की बेयर एक्ट में अगर आप, इस बात को तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर लॉ के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज है कि आपको पता होगा कि प्रियम्बल क्या होता है, क्योंकि आपने कभी ना कभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा, उसमें आपने प्रियम्बल देखा होगा कि प्रियम्बल को लेके तरह तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, किसी में ये कहा गया, किसी में वो कहा गया। आखिरी में हमने ये जाना कि प्रियम्बल जो है वो किसी भी कानून का, किसी भी लॉ का, कोई भी अगर धारा बनती है, एक्ट बनता है, तो उसका उसको हिस्सा माना गया। अब अगर आप आईपीसी को देखो ध्यान से तो उसमें सबसे पहले गौर करने वाली बात है, उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। उसमें शब्द लिखा हुआ है जनरल पीनल कोड, गौर करिएगा ध्यान से, जनरल पीनल कोड। अब सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि ये पीनल क्या होता है, गौर करने वाली बात है। जब आप आईपीसी को देखते हो, अगर आपके पास क्रिमिनल मैनुअल होगा तो उसमें तीन धाराएं हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। आईपीसी में जब आप आगे चल के आप नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिफमेशन,
रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ट्रेसपास, इस तरह की चीजों को देखोगे तो आपको एहसास होगा कि इस तरह की चीजें तो हमें सिविल लॉ में भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पे भी किसी ना किसी इंडिविजुअल को ही रॉन्ग हो रहा है। अब थोड़ा सा इसकी इसकी अगर मैं तह में जाके देखता हूं तो इस बात को समझ लीजिए कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या फर्क है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या फर्क है? क्रिमिनल लॉ का सबसे आसान सा उदाहरण आप देखिएगा, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो मैंने आपसे पूछा कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या फर्क है, तो मैंने सोचा कि पहले जान लूं कि क्रिमिनल लॉ होता क्या है। तो जब हम क्रिमिनल लॉ को, मैंने आपसे बात करने के दौरान मैंने गूगल पे ऐसे सर्च कर दिया, क्योंकि हर इंसान को सारी चीजें एकदम से पता नहीं होती, तो उसमें गूगल ने मुझे बताया कि अ सिस्टम ऑफ लॉ कंसर्न विद द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर, एक ऐसी लॉ की व्यवस्था जिसको बनाया गया है ताकि कोई व्यक्ति जो है उसको, उसने अगर कोई ऑफेंस किया है तो उसको ऑफेंडर जो है सीआरपीसी बनाया जाता है और उसके पनिशमेंट की चर्चा जो है करता है क्रिमिनल लॉ। अब पनिशमेंट से अगर हम बात समझें तो पनिशमेंट तो कहीं ना कहीं सिविल लॉ में भी दिया जाता है, पर वहां जो पनिशमेंट है वो डैमेजेज के तौर पे है, डैमेजेज के तौर पे है। मेरी बात आपको समझ में आ रही हो? क्योंकि होता क्या है, क्योंकि अगर आप में से किसी ने लॉ ऑफ टॉर्ट को पढ़ा है, ठीक है, तो उसे क्वालिफिकेशन की चर्चा एक समय हुई थी उसकी चर्चा। आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टॉर्ट को डिफाइन भी किया गया है इंडियन लिमिटेशन एक्ट में, अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर आप उसके डिफिनेशन क्लॉज को देखना। तो वो तो कहीं कोडिफाई हुआ नहीं है। तो जनरल सेंस में अगर हम बात करते हैं तो डैमेजेज शब्द का प्रयोग जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया गया। जब आप सेक्शन 68 से आगे बढ़ोगे तो देखोगे वहां पर कंपनसेशन की चर्चा की गई है कि अगर ये नहीं किया तो क्या होगा, वो नहीं किया तो क्या होगा। तो हमने एक चीज जाना कि क्रिमिनल लॉ का मतलब हमको क्या मालूम चला, इट इज अ सिस्टम ऑफ लॉ कंसर्न विद द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर। अब मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आपका एकेडमिक लेक्चर नहीं है कि पीनल शब्द कहां से निकल कर आया है ना, किस तरह की चर्चाएं हैं। तो पनिशमेंट शब्द हमें देखने को मिला। अब सबसे पहली चीज गौर करने वाली बात है कि आईपीसी में पनिशमेंट कहीं ना कहीं तो डिफाइन किया गया होगा, तभी तो उसको क्रिमिनल लॉ बनाया जा रहा है। तो आप सेक्शन 53 को देखोगे तो वहां आपको जानकारी मिलेगा कि पनिशमेंट जो है वो कितने तरीके के हैं, पांच तरीके। अब इसको आप ध्यान कैसे करोगे कि पनिशमेंट जो है वो पांच तरीके की? तो जैसा कि आपने देखा कि पनिशमेंट जो है वो पांच से शुरू होता है, तो मतलब पांच तरीके की। ठीक है, समझ में आ गया? पांच तरीके की: डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट उसको क्लासिफाई किया गया दो हिस्सों में, रिगरस और सिंपल, और चौथी चीज फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और पांचवी चीज फाइन। आगे चल के जब आप 53 से 63 में जाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि अमाउंट ऑफ फाइन शैल बी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। पर खैर, तो आपको एक चीज समझ में आ गया, एकदम सिंपल सी बात चल रही है, ध्यान समझना इस बात को। चर्चाएं हैं, बातें हो रही हैं, तो आईपीसी को जब बनाया गया तो उसको इस हिसाब से कहा गया कि दिस इज अ जनरल पीनल कोड, दिस इज नॉट अ इंडियन पीनल कोड, दिस इज व्हाट, दिस इज अ जनरल पीनल कोड।
फॉर इंडिया, दिस इज अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। अब जब आपने किसी चीज को जनरल कह दिया, किसी चीज को क्या कर दिया, जनरल कर दिया, जैसे मैं आपको विस्तार से समझाऊं, तो आपने जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ाई होगा, पर वहां पे आपको प्रॉपर्टी का डिफिनेशन देखने को नहीं मिला होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने कहीं भी जो है प्रॉपर्टी का डिफिनेशन नहीं देखा होगा। मैं आपको जनरल शब्द का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप उसको समझोगे। अब ये सवाल निकल के आया कि बताओ टीपीए हमने पढ़ लिया और हमको जो है मालूम नहीं चल पा रहा है कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। वो अलग चर्चाएं हैं, वहां पर मूवेबल इमूवेबल की बातें चल रही है, उसको हम समझने के लिए हम अलग अलग तरह के एक्ट में जाते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट में चले गए, जनरल क्लॉज एक्ट में चले गए, आईपीसी में चले गए, आईपीसी में भी जाते हैं ना, आईपीसी में भी आते हैं, सेक्शन 22 को पढ़ोगे तो वहां पे मूवेबल के साथ इमूवेबल को भी डिफाइन किया गया है। इट इंक्लूड्स ऑल कॉर्पोरियल थिंग एक्सेप्ट लैंड थिंग अटैच्ड टू अर्थ, लिखा है वहां भी। तो अगर आप प्रॉपर्टी का डिफिनेशन जानना चाहोगे तो आपको आना पड़ेगा कहां पे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अगर आप डिफिनेशन क्लॉज में जाओगे तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 में प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया। बात समझ में आई? और वहां पे अगर आप उस डिफिनेशन क्लॉज को पढ़ोगे तो वहां पे कहा गया है कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इट मींस द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ कि वहां पे जनरल शब्द के साथ प्रॉपर्टी को रिलेट किया जा रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में और स्पेशल के साथ नहीं किया जा रहा, तो ये जनरल और स्पेशल का क्या पिक्चर चल रहा है, इसको हमको समझना पड़ेगा। देखो जब आप टीपीए पढ़े होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि ट्रांसफर जो है कई तरीके से हो सकता है, सेल के तौर पे हो सकता है, गिफ्ट के तौर पे हो सकता है, या एक्सचेंज के तौर पे हो सकता है, या मॉर्टगेज के तौर पे हो सकता है, या लीज के तौर पे हो सकता है। एक और प्रारूप आपको पढ़ने को मिलेगा मॉर्टगेज में, जब आप गहराई से पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि चार्ज का भी एक कंसेप्ट है। उसमें ये कहता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो नहीं हो सकती है पर वो व्यक्ति उसको चार्ज के तौर पे जो है अपने पास रख सकता है जब तक कि उसको उसका पूरा पेमेंट ना मिल जाए। सिंपल सी बातें हैं। कभी कभी किसी और टीपीए किसी सेक्शन में ये भी लिख दिया होगा कि वो प्रॉपर्टी, वो पर्सन चाहे जिसके पास चार्ज है वो उसको ट्रांसफर भी कर सकता है ना, नेसेसिटी का प्रिंसिपल है। तो समझने वाली बात है, यहां पे जनरल वर्ड यूज किया गया, स्पेशल यूज नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा एब्सोल्यूट नेचर का ट्रांसफर होता है, गिफ्ट में जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा एब्सोल्यूट नेचर का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज में जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा एब्सोल्यूट नेचर का ट्रांसफर होता है, पर बाकी जो दो ट्रांसफर हो रहे हैं मॉर्टगेज या लीज की हम बात करें तो वहां जो ट्रांसफर हो रहा है वो हमेशा लिमिटेड नेचर का ट्रांसफर होता है। क्योंकि जब ट्रांसफर होता है, ध्यान से समझना इस बात को, जब थोड़ा सा मैं टीपी में आ जाता हूं आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, सेक्शन 5 में ट्रांसफर को डिफाइन नहीं किया गया या फिर टीपीए में कहीं भी ट्रांसफर को डिफाइन नहीं किया गया, पर आप इस बात को कैसे तय कर पाओगे कि जो चीज आपके पास थी वो कल किसी और के पास है, तो
तो आपने उस चीज को ट्रांसफर कर दिया है, या फिर वो कैसे इस चीज को प्रूफ कर पाए कर पाएगा कि उसको ये चीज ट्रांसफर के तौर पे मिली। तो उसको लेके बहुत ही जनरल सा सेंस है, बात को समझना। आपने पढ़ा भी होगा, मैं आपको कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं कि ट्रांसफर जब होता है तो उसके साथ होता क्या है कि राइट और इंटरेस्ट जो कल तक आपके पास था वो अब किसी और के पास चला गया है। तो क्रिएशन ऑफ राइट एंड इंटरेस्ट की बात होती है। अब देखो ध्यान से, यहां पे दो तरह के शब्द निकल कर आ गए, एक तरफ राइट की बात हो रही है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। मॉर्टगेज और लीज को आप पढ़ोगे तो आपको वहां से मालूम चलेगा कि मॉर्टगेज में मॉर्टगेजी के पास राइट चला जाता है और लीज में लेसी के पास इंटरेस्ट चला जाता है। हालांकि यहां पर इन दोनों इसेंस में आप देखोगे कि किसी के पास दोनों चीज नहीं जाती, पर वही चीज सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे राइट और इंटरेस्ट दोनों एक साथ चली जाती है, इस वजह से उसको एब्सोल्यूट नेचर का ट्रांसफर कहा जाता है। तो अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत तो समझ आ ही गई होगी कि सेक्शन 211 में प्रॉपर्टी को लेकर जनरल प्रॉपर्टी की बात क्यों कर रहा है और स्पेशल की बात क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल वर्ड ही यूज कर दिया गया, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स की बात करें तो मूवेबल वन की बात करता है, ठीक है। तो अब मूवेबल वन तो कभी आप लीज के तौर पर दे नहीं सकते हो, वो थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ोगे थोड़ा, वो डिफरेंट चीज है, उसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसमें आप कस्टडी में देते हो, जैसे बेलमैन की बात करते हो। खैर उस पर बाद में देखा जाएगा क्या है नहीं है। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट नेचर की बात, जिस पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो, वही सर्वमान्य हो। तो इस आधार पे आईपीसी को जब बनाया गया तो उसको कहा गया जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। मतलब जब से ये कानून निकल कर आ गया, इसके बाद कोई और कानून जो है वो इसको ओवरकम नहीं कर सकता है, ठीक है। सारी चीजों के लिए मान लो सपोज कि कहीं और कोई व्यवस्थाएं लिखी गई है तो उसको दरकिनार करते हुए अब हमारे भारत में केवल एक और एक ही क्रिमिनल लॉ जो है वो आपका एप्लीकेबल होगा। इस बात की चर्चा अगर आप ध्यान से एकत्रित होकर प्रीएम्बल को पढ़ोगे तो आप इस चीज को समझोगे। पहली बात समझ में आ गया। अब मुझे लगता है कि आपको जो है स्क्रीन दिख रहा होगा, इसमें देखो मैंने लिखा है बहुत ही गहराई से कि पहला जो आपका ये आईपीसी का चैप्टर है ये केवल और केवल इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम लोग कोई भी एक्ट को पढ़ते हैं तो सब में यही लिखा होता है चैप्टर वन इंट्रोडक्शन का होता है। यहां भी वही बातें की गई। तो प्रीएम्बल के साथ साथ इसमें पांच सेक्शंस भी जोड़े गए। तो मुझे लगता है जो बातें मैंने चर्चा की है वो आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई। अब अगर हम आगे चलते हैं तो स्क्रीन पे कुछ बातें लिखी गई है जो ये बताता है कि जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया क्यों कहा गया है इसको, पहली बात। दूसरी बात कि जनरल पीनल कोड इंडिया कहने के बावजूद भी जो बहुत सारे एक्ट सीआरपीसी से पहले क्रिमिनल लॉ जो इंडिया में चल रहे थे उनको रिपील नहीं किया गया। अब इसका कारण ही मैंने लिख दिया है कि इनको रिपील क्यों नहीं किया गया। अगर आप ध्यान से स्क्रीन पे दूसरे सब पॉइंट पे देखोगे तो वहां पे क्या कह रहे हैं, दिस वॉज सो बिकॉज द कोड डज नॉट कंटेन ऑल द ऑफेंसेस एंड इट वॉज पॉसिबल दैट सम ऑफेंसेस माइट हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ द कोड which were not intended to be exempted from penal consequences। उदाहरण तौर पर मैं बता देता हूं, अभी जनरल सेंस की मैं बात करता हूं। जैसे दाउडी डेथ हो गया, सेक्शन 304 बी में लिखा हुआ है कि डेथ अकर्स विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, पनिशमेंट, तो चीजें प्रूफ हो जाए। पर अगर हमको उसको बारीकी से समझना है देन वी मस्ट हैव टू रिलाई अपॉन दाउडी प्रोहिबिशन एक्ट 1961।
उसी तरह से फोर नाइनटी एट कैपिटल एक क्रुएल्टी, पर उसको हमको समझना हो देन वी मस्ट हैव टू मूव अपॉन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस क्रिमिनल लॉ की तरफ जाना पड़ता है। तो जनरल पीनल कोड के कह देने से भी जो है ये तो तय है कि मतलब आईपीसी सुपीरियर देन एनी अदर क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, और जनरल पीनल कोड कहने का पर्पस भी यही था, पर उसके बावजूद भी जो है क्या किया गया था, बाकी क्रिमिनल लॉ को रिपील नहीं किया गया। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी इंसान को समझने में कोई अब दिक्कत आएगी। अच्छा, मैंने ये भी लिख दिया है लेकिन कि अगर इसको पीनल कोड बना दिया गया है तो इसको एग्जॉस्टिव एसेंस में नहीं समझना है कभी, कि जो चीज लिख दिया गया वही सत्य है, उसके आगे और उसके पीछे में झांकने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, ये बात भी मैंने लिखा हुआ है, आप गहराई से अगर देखो तो मैंने लिखा है कि दिस कोड कंसोलिडेट द होल ऑफ लॉ ऑन सब्जेक्ट एंड इज एग्जॉस्टिव ऑन द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट डिक्लेयर द लॉ। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट द पीनल कोड इज द एग्जॉस्टिव एंड कंप्लीट इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑफेंसेस एंड नो ऑफेंस अदर देन दोज प्रोवाइडेड फॉर बाय द कोड कैन बी थॉट ऑफ। मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी। पहले ऐसे से मैंने ये लिखा कि अगर किसी चीज को उसने डिफाइन कर दिया तो उस चीज को हम एग्जॉस्टिव एसेंस में समझेंगे, पर किसी चीज में मान लेते हैं कभी कभी बहुत सारी चीजें लिखी होती है और उसका मतलब वहां से पूरी तरह से तय नहीं हो पाता है, तो हमें दूसरे एक्ट की तरफ मूव करना पड़ता है उसके एग्जैक्ट एसेंस को समझने के लिए। आगे समझते हैं हम, तो सेक्शन एक में तो कुछ बातें लिखी नहीं होती है, सिंपल बात यही लिखी होती है कि टाइटल एंड एक्सटेंट दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पिनल कोड, ऐसा ही लिखा होगा, एंड इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सो एंड सो डेट। मैं आपको तारीख नहीं बताऊंगा, आप खुद से भी देख सकते हो कि किस तारीख को ये आपका इनफोर्स हुआ, मतलब इट कम इन टू फोर्स। सेक्शन दो, सेक्शन तीन और सेक्शन चार, ठीक है, सेक्शन दो तीन और चार ध्यान से समझे हम, तो यहां पे बातें चल रही है आईपीसी को ही लेके, ये जो आईपीसी आपने बना दिया ये इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो कहां तक चली जाएगी, समझ में आया? ये कितना आपका एप्लीकेबल है, किस लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, क्या ये भारत में ही एप्लीकेबल है या फिर भारत से बाहर जाके भी हम बात करें, तमाम तरह के पहलू हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। तो अगर आप सेक्शन दो को पढ़ते हो, मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ते हो, तो सेक्शन दो में अगर आप ध्यान से देखो, सेक्शन में लिखा हुआ है बेयर एक्ट पढ़ने का भी एक तरीका होता है। मैं पढ़ता हूं सेक्शन दो को, अगर आप लोग सेक्शन दो को देख रहे हो तो देखो ध्यान से। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। इट यूजुअली टर्म फर्स्टली व्हाट एवरी पर्सन। नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड इज दैट हु विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ एवरी पर्सन, हु विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ एवरी पर्सन, कैन फॉरेनर ऑल्सो कम अंडर द एम्बिट ऑफ एवरी पर्सन, दिस इज अ क्रूशियल क्वेश्चन। सो अगेन इफ यू लुक अपॉन द स्क्रीन वट एवर आई हैव मार्क इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल कम टू नो देयर इज अ वेल रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस दैट The exercise of criminal jurisdiction depends upon the place of the offense and not upon the nationality
और डोमिसाइल ऑफ द ऑफेंडर। इट इज इमटेरियल। सपोज इफ एनी फॉरेनर्स कम्स टू इंडिया एंड इज सिंपली सेइंग दैट आई एम ए अमेरिकन सिटीजन, राइट, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है कि आप यहां पे आप कोई भी ऑफेंस करके चले जाओगे। कुछ अपवादे रही हैं, अब उन अपवादों का चर्चा नहीं किया जाएगा, पर जो जनरल इशूज की बात करते हैं वहां से तो यही निकल कर आता है, एवरी पर्सन इवन इंक्लूड्स फॉरेनर ऑल्सो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट इफ यू लुक अपॉन अगेन दिस पर्टिकुलर सेक्शन यू अगेन कम टू नो दैट दिस ऑफेंस इज कमिटेड विद इन इंडिया। सो दिस सेक्शन डील्स विथ इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, इट विल नॉट गो बियॉन्ड इंडिया। सपोज इफ यू कमिट एनी ऑफेंस आउट इन इंडिया, सेक्शन 2 डज नॉट टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सच ऑफेंसेस एंड प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर दैट। सेक्शन 2 डज नॉट टॉक अबाउट दैट। सेक्शन 2 ओनली टॉक्स अबाउट दैट द एक्सरसाइज ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ द अकरेंस, प्लेस ऑफ द ऑफेंस, राइट। एनी कंफ्यूजन? आई होप यू कंफ्यूज। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव क्लियरली मेंशन हु कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ एवरी पोर्ट। सो देयर आर डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑलरेडी आई हैव मार्क दैट विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ नेशन, रेस, कास्ट, क्रीड, ऑल ऑफ देम इज लाइबल फॉर पनिशमेंट इफ he is guilty within India, if he has committed any offense of which, if he has committed any offense of which he shall be guilty within India. Now again, if you read every sentence of this section, I'm talking about section 2, then it uses the term and not otherwise for every act or omission contrary to the provision there. What does it mean? Can any one of you tell me what does it mean? Why this particular sentence is used here? For the proper clarity of this provision, जो मैंने आपको शुरुआत में नहीं पढ़ा, मैंने शुरुआत में क्या पढ़ा? Every person, क्या पढ़ा? Every person shall be liable to punishment under this code of which he shall be guilty within India. मैंने बीच के हिस्से को नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं सेक्शन को आसान बनाना चाहता हूं, ठीक है? आपकी समझ होनी चाहिए उसको कि कितना उसको आप तोड़ कर पढ़ोगे जो आपको उसको समझने में आपको आसानी हो। अब बीच का हिस्सा निगेटिव चीजों को पहले क्यों पढ़े? एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ, व्हाट डज इट मीन? So for the clarity of this particular provision, there is one section, and that section is section 71 of the IPC. If you look upon section 71 of the IPC, I am not saying you ki you just have to go and read that section. Just look upon the illustration to that section. Just. So if you look upon illustration to section 71, you come to know that A gives Z 50 strokes with a stick. 50 strokes. So it is very clear that A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blow which make up the whole beating. If A were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for 50 years, one for each blow. But he is liable to only punishment for the whole bit.
एम आई क्लियर? कुछ क्लियर नहीं हुआ। नहीं, कुछ क्लियर हुआ? क्लियर ये हुआ, इसमें जो लिखा था एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ। जैसे कोई बड़ा ऑफेंस करने के लिए जा रहे हो, उस बड़े ऑफेंस को करने के दौरान जो है छोटे मोटे ऑफेंस भी होते हैं। फोर्स यूज हो गया है ना, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट हो गया, तो ये जो ये सब ऑफेंस आएंगे उनको आपको क्या करना पड़ेगा, दरकिनार करना पड़ेगा। इस बात की चर्चा यहां पे की गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस में आप और भी चीजों कर रहे हैं तो उसको भी दरकिनार करना पड़ेगा। आई होप बहुत हद तक आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 2। अब अगली चर्चा में हम लोग देखेंगे ये सेक्शन 2 की एप्लीकेबिलिटी कैसे है। जब हमने एवरी पर्सन वर्ड का यूज किया तो यहाँ पे जब फॉरेनर की बात होती है तो क्या बाहर के लोग बाहर से रह के भी अगर कोई ऑफेंस कर लेते हैं तो क्या उनको ये मान लिया जाए कि उसने भारत में रह के ये ऑफेंस को किया है? क्या कोई विदेशी नागरिक जो कि भारत के रास्ते किसी और देश जा रहा है क्या वो भी भारत के कानून के अधीन जो है उसको लाइबल किया जा सकता है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज का केस। तो इस तरह के दो चार केसेस हैं जो कि हम समझेंगे और फिर हम जो है अगली क्लास के तरफ में जो है बताएंगे आपको। था नहीं है, नहीं बताएंगे, बताएंगे सब चीज़ बताएंगे और सारी चीज़ें चर्चाएं करेंगे।